आप सब लोग उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज हम करेंगे गो इंडिया गो टू, बताएंगे कि ओरिजिनल कैसे बाय करें। फुल डिटेल दूंगा मैं आपको, और अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिलता तो आप डीएम कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर डीएम करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये देख लो, गो इंडिया गो रेड कलर में है, पूरा ओरिजिनल है। तो जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको पता ही, हम बेचते ही ओरिजिनल है भाई। एक दो और टिप्स है गो इंडिया गो की, नई टिप्स है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। सब कुछ क्लियर कर दूंगा भाई कि आपको डुप्लीकेट मिलेगा ही नहीं, आपको मतलब डुप्लीकेट का पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट ही है। सब डिटेल बता दूंगा मैं आपको, सब जो भी डिटेल आती है ना सब बता दूंगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से टूटा हो तो मैंने सोचा भी अपने लिए खोल लूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी टूटा हो तो मैं कस्टमर को नहीं प्रेफर करता देना, ठीक है? कुछ भी हो तो कस्टमर को हम नहीं देते सामान। तो ये आप देख सकते हैं गो इंडिया गो है। तो इसकी अब ये क्वालिटी में, तो ये देखो क्वालिटी, तो इसकी देखो ओरिजिनल की क्वालिटी ये होती है भाई। ये देखो भाई, अभी खोलेंगे भी, पूरी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। पहले तो भाई आपको देख लेना है, यहाँ पर गो इंडिया गो लिखा ना, यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो लाइट ऑरेंज नहीं है, जो डुप्लीकेट में है वो थोड़ी लाइट ऑरेंज है, ठीक है? और जो ऊपर भी है, एक तो प्रीमियम वाला है जिसमें लाइट ऑरेंज है, यहाँ पर भी गो गो भी थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसमें, तो साइड में हो सका तो मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा। तो एक यहाँ पर डमरू भी वहाँ उसमें मिसिंग है, ये भी उन्होंने एक गलती किया है। तो ये कह रहा है ऐसा बिल्कुल सेम, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का फ़र्क है और बिल्कुल सेम, जिसके आ रहे हैं तीन होलोग्राम पीछे भी, यहाँ भी होलोग्राम है। वो मत लेना भाई, वो तो जमा ही बेकार माल है, जमा ही बेकार। अब एक और आ गया है जिसके अंदर एक ही होलोग्राम लगा हुआ है, बस वो होलोग्राम ही छोटा नहीं लगा हुआ, जैसे जो अंदर है ना ये थोड़ा बड़ा होता है, जो ऊपर होता है वो छोटा होता है। तो जो अंदर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम एक ही होलोग्राम, उसमें ये वाला होलोग्राम भी बाहर लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ बड़े वाली लगी हुई है। आप ऐसे कंपेयर जब हाथ में होगा ना, कंपेयर कर सकते हो कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। अगर ये वाला भी बड़ा है और इधर भी बड़ा लगा हुआ तो वो भी डुप्लीकेट है। ये आप देख लेना, ये नया आया है और वो भी जमा ही फेंका है, वो भी सब प्लास्टिक है वो, ठीक है? जो ये होता है प्लास्टिक नहीं होता है, इसमें प्लास्टिक, नायलन और कॉटन तीनों चीज़ें मिक्स रहती है, तो ये बढ़िया केमिकल पकड़ता है। सिर्फ प्लास्टिक कभी केमिकल ही नहीं पकड़ सकता, कभी कांच ही नहीं पकड़ सकता, ठीक है? ये बात होती है, तभी इसको मिक्स करके बनाया जाता है ताकि ये कांच पकड़े, और तभी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और तभी ये ओरिजिनल ही सबसे ज़्यादा पतंगे काटता है। यही रीज़न होता है, यही रीज़न होता है डुप्लीकेट लोग नहीं लेते। चलो अभी उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो आराम से फाड़ेंगे इसका रैपर। तो मेड इन इंडिया भाई, किसी को कोई शक हो तो मेड इन इंडिया, भारत उत्पादित, तभी हम ऐसे बेच रहे हैं भाई। ये किसी को लगता है बैन है, उनकी सिटी में होगा भाई, हमारी सिटी में नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। गो इंडिया वो तो अभी तक नहीं हुआ है, मोनोफिल गोल्ड जो है वो कई जगह में बैन है, मोनोफिल गोल्ड वगैरह, मोनोफिल हो गया, मोनोफिल गोल्ड हो गया, वो अपनी स्ट्रेचिंग की वजह से बैन है भाई। ये देखो भाई क्वालिटी देखो भाई आप, ये होता है भाई ओरिजिनल माल, हमारे पास सब कुछ ओरिजिनल मिलता है। और भाई एक और बात बता दूँ, एक नया ब्रांड आने वाला है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी उसकी मैं वीडियो लाऊंगा। नया ब्रांड, एकदम नया ब्रांड आ रहा है, पर उसको मैं मार्केटिंग तब करूँगा जब उसको मैं पेटी पेटी माल भेज दूंगा। वो ब्रांड एकदम बढ़िया भाई, ऐसा ब्रांड है ना, मैं आपको उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। ब्रांड ऐसा है ना, क्या बताऊँ, ब्लैक मांबा भी फेल है उसके सामने। नया ब्रांड है, एकदम नया ब्रांड है भाई, मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा भाई। ये देख रहे हो ना, ये गो इंडिया वो ब्लैक मामा मोनोकट, कुछ भी नहीं है उसके आगे, कुछ भी नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरे पास माल तो पड़ा है, अगर किसी को जानना उसके बारे में तो डीएम कर सकते हो, पर मतलब मैं अभी वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि पहले उसकी मार्केटिंग होगी तब मैं वीडियो लाऊंगा। क्योंकि ब्लैक मामा की मैंने सबसे पहले वीडियो दे दी थी तो दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं उसकी पेटी वेटी माल जब पहुंच जाएगा ना होलसेलर्स के पास, तब मैं वीडियो लेकर आऊंगा। फिर आप देखना भाई, आप देखते रह जाओगे भाई क्या माल आया, सब देखते रह जाएंगे भाई। तो यार ये गो इंडिया गो की यहाँ पर स्टिक्स का कट्स भी है, और ये होल भी देख लेना भाई, ये एक होल, सारी चीज़ें देखा करो, ये नहीं कि सिर्फ एक होल है तो हाँ फिर रीले आते हैं। वैसे दो होल होते हैं पर ओपन एक होल होता है, तो एक और साइड में भी आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड दो दो होल होते हैं, पर जो बोल्ट में पटाखे मार रहा कोई भाई। तो ये होलोग्राम होता है, इसके अंदर ओरिजिनल ओरिजिनल लिखा होता है। इतने छोटे पे फोकस नहीं करेगा भाई मेरा कैमरा अभी, ठीक है? ओरिजिनल ओरिजिनल लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो भाई सेम लिखा हुआ है, बस वो छोटा है। तो इतना कांच है भाई, किसी को भी कुछ भी बाय करना है तो आप डीएम कर सकते हो। और अपना दूसरा बिजनेस कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, इसका तो है ही, काइट्स का भी है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी है, वॉचिस साथ के साथ, वॉचिस लोअर्स और
मैं इंस्टा का पेज मेंशन कर दूंगा, फॉलो जरूर करिएगा उसको। तो फैशन फैक्ट्री वन नाम है उसका, बाकी मैं मेंशन कर दूंगा, अंडरस्कोर भी है। तो आप कुछ भी, मतलब कुछ भी बाय कर सकते हो वहाँ से, क्लोथ्स अपनी, शूज़, फर्स्ट कॉपीज, एप्पल वॉच, कुछ भी। वैसे आप डीएम भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर, कुछ भी लेना हो। तो आज की वीडियो करते हैं नहीं यहीं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो पर साथ में, बड़े धमाके के साथ में। ठीक है भाई, बड़ा धमाका आने वाला है। ठीक है भाई, नया ब्रांड आने वाला है, सुपर फाइन क्वालिटी, मेड इन इंडिया, ऐसे कुछ यहाँ पर लिखा रहता है, जर्मन टेक्नोलॉजी, नॉन शॉक प्रूफ और नॉन मेटेलिक। शॉक प्रूफ मतलब बिजली की तार में गिरेगा तो कुछ इशू नहीं होता इसका। 2016 में जो आते थे वो शॉक प्रूफ नहीं होते थे, अभी तो आ रहे हैं सारे, वो शॉक प्रूफ ही है। मेटल नहीं होता क्योंकि इनमें, उसमें मेटल होता था। तो वीडियो करते हैं यही एंड, बाकी व्हाट्सएप पर डीएम करिए जिसने ऑर्डर करना है, जो इंटरेस्टेड है वही करना भाई, डिटेल्स के लिए सिर्फ मत करना। ठीक है, यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।